कल हमने वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में और इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। अब इनपुट डिवाइस के ही कुछ उपकरण और हैं, टच स्क्रीन, ठीक है, ग्राफिक टेबल और बारकोड रीडर, स्कैनर, ये इनकी इसमें डेफिनेशन और कैसे क्या होता है इसकी डेफिनेशन दी गई है। जैसे क्या है बारकोड रीडर, द रीडर विच रीड्स द बारकोड इज नोन एज बारकोड रीडर। द सीक्वेंस ऑफ थिन एंड थिक ब्लैक लाइंस ऑन द वाइट बैकग्राउंड इज द नोन ऑफ बारकोड। ए बारकोड रीडर हैज अ लाइट सिक्योर एज अ लेंस, इट रीड्स बार्स प्रिंटेड ऑन द बारकोड एंड द सेंड डिजिटल इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ये कह रहा है हमें कोई भी बारकोड रीडर हम रीड्स कंप्यूटर कर सकता है। जैसे सीक्वेंस ऑफ थिन एंड थिक ब्लैक लाइंस द वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक लाइंस ही बारकोड होता है, ठीक है। और डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, उसको दिमाग भी कहा जाता है। मतलब पूरा हमें कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सीपीयू हमारा मेन पार्ट है। ऑल द मेन कैलकुलेशन एंड द कंपोजिशन एंड द परफॉर्म्ड इनसाइड द सीपीयू। मतलब सब चीज़ हम सीपीयू के अंदर रख सेव कर सकते हैं। फिर इस सीपीयू के अंदर क्या है, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ALU, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताए थे। CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। अब इसमें क्या दिया गया है, फिर अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट की डेफिनेशन दी है, फिर कंट्रोल यूनिट की, फिर मेमोरी यूनिट की। फिर यहाँ पे दिया गया है आपको स्टोरेज यूनिट, हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। इससे आगे को हम कल बताएंगे।